सो गाइस जब से मैंने शिवा और कीकू और शिनशान को उनकी गाड़ी दी है तब से वो लोग भाई मेरे से बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से बिहेव करने लग गए। लाइक मैं जो भी काम बोलूँ वो मेरा सारा काम करते हैं। खैर अभी तो शिवा और कीको मिशन के लिए गए हुए हैं, शिनचैन अपने स्कूल गया हुआ है एंड मैं जा रहा हूँ ग्रैनी के पास में एक और मिशन की बात करने, क्योंकि ग्रैनी लास्ट टाइम एक मॉन्स्टर्स को बुला ली थी एंड उस मॉन्स्टर को हमने मारा था और ग्रैनी चाहती थी कि जो भी उस मॉन्स्टर को मारेगा उसको 1,00,000 रुपए मिलेंगे। सो गाइस अभी अभी लिटिल सिंघम आने वाला है इन सारे पैसे को लेने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था जो भी उस मॉन्स्टर को मारेगा वो ये सारे के सारे पैसे जीतेगा। एंड गाइस मेरे वो जाल के अंदर फंसने वाला है, दिखाऊं कैसे? वो देखो ग्रीन ग्रैनी, इधर येलो ग्रैनी, पिंक ग्रैनी, रेड ग्रैनी और यहाँ पे ब्लू ग्रैनी। तो यार अभी जल्दी से जाता हूँ मैं और उसके पास से जाकर के 1,00,000 रुपए लेके आता हूँ। ये काम मुझे जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि कहीं कीको और शिवा ये दोनों आ गए तो ये दोनों अपनी गाड़ी को लेके भाई सही में भाग जाने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ क्योंकि उनको खेलना बहुत पसंद है, रेसिंग वगैरह करना तो और भी ज्यादा पसंद है, तो उनको कैसे भी करके मुझे रोकना होगा क्योंकि गाड़ी खराब कर दी उन लोगों ने, इतनी शानदार गाड़ी। तो भैया फिर उनके पैसे मैं नहीं देने वाला, लिटिल सिंघम नहीं देंगे पैसे। और यार अभी तो मेरे फेस की भी कार खरीदनी है। इन सभी के पास में गन है, जैसे ही लिटिल सिंघम आएगा हम उसको मार देंगे एंड उसके पास जो फेस वाली गाड़ी है ना उसको किडनैप कर लेंगे। बड़ा मजा आने वाला है भाई ये तो। चलो इतने छोटे से पैसों को दे करके हमें इतनी महंगी और इतनी बड़ी फेस वाली कार मिल जाएगी। चलो 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 आने दो उसको, वेट करते हैं। मैं ऐसा करती हूँ इधर पीछे छुप जाती हूँ, उसको आने दो फिर ग्रैनी और तुम लोग हमला कर देना इस पे, ठीक है? अरे हाँ हाँ व्हाइट ग्रैनी, ठीक है चिंता मत करो तुम। चलो भाई चलो, ब्लू ग्रैनी, पिंक ग्रैनी, सभी की सभी रेडी हो जाओ। और इधर ही आएगा ना वो पैसे लेने के लिए। चलो भाई, अरे आइडिया, ऐसे करते हैं ना यहाँ पे थोड़े बॉम्ब भी लगा देते हैं। अरे हाँ 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 वो आता ही होगा बस थोड़ी देर में। अरे एक सेकेंड, आ गया ये शिनचैन की गाड़ी, आ गया। अरे आ गया बस गाड़ी चला रहा है, लगता है गाड़ी अंदर पार्क करने वाला है। आजा बच्चू, आजा। ऑल राइट गाइस, तो हम आ चुके हैं ग्रैनी के घर पे, बस अब अंदर घुसने वाले हैं। और भाई यहाँ पे क्या ही खतरनाक जगह है। आज गाइस ग्रैनी से पैसे लेंगे और फिर उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरे फेस की कार भी खरीद लूँ मैं, क्योंकि यार मुझे भी तो चाहिए ना लिटिल सिंघम के फेस की भी कार चाहिए। गाड़ी को मैं यहाँ खड़ी कर देता हूँ। और अरे ये क्या मेरे पे हमला कैसे कर रहे हैं? अरे मेरी गाड़ी चला देंगे ये लोग। अरे नहीं 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 भाई, ये तो बहुत खतरनाक हो रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, गाड़ी पे जल्दी अंदर बैठना पड़ेगा। गाइस ये लोग खतरनाक तरीके से हमला कर रहे हैं, ग्रैनी ने तो मेरे पे धावा बोल दिया। ओ नहीं, शिनचैन के बाल जल गए, भगवान भागो यहाँ से। मैं ऐसा करता हूँ शिनचैन की गाड़ी को यहाँ खड़ी कर देता हूँ कम। अरे नहीं, शिनचैन की गाड़ी जल गई यार, कैसे भी करके बचाना पड़ेगा। गाड़ी से उतरता हूँ मैं। रुको भाई जल्दी से, मैं अपने आप को बचाता हूँ पहले तो भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, शिनचैन के बाल चल गए शिनचैन की गाड़ी के। ओ शिनचैन की गाड़ी पे भी हमला कर दिया। अरे ग्रैनी ये तूने क्या कर दिया? ओ बच गया, इतनी बगल में से जा रहा है ये सारे के सारे पैसे लूटने हैं यार मुझे, मगर अब कैसे लूटूंगा ऐसा। अरे अंदर तक आ रहा है इसका तो हमला। छुप जाओ भाई, अभी भी हमला हो रहा है मेरे पे। अरे आग जल गई नीचे। अरे भागो। अरे यहाँ पे भी आग जल गई। अरे भागो, यहाँ छुप जाता हूँ मैं। अरे भाई बहुत ही खतरनाक। अरे मेरे पे फिर से हमला हो रहा है। नहीं मैं क्या करूं यार, ये रही ग्रैनी। अरे गाइस यार ये देखो, ओ मेरे पे हमला हो रहा है, आग भी जल रही है भाई, इतनी सारी कलरफुल ग्रैनी मेरे पे हमला कर रही है। ऐसा करता हूँ, अरे बच करके, ये रही व्हाइट ग्रैनी, साले को पकड़ लो। ओए देख लो, तुम्हारी ग्रैनी को मैंने पकड़ लिया है। चलो तो गाइस काफी सारे लोग शांत हो चुके हैं, सभी के सभी। ग्रैनी देखो, ग्रैनी अगर तुम लोग मेरे को मारोगी तो मैं इस व्हाइट ग्रैनी को मार डालूंगा, देखना इसको आग के अंदर छोड़ दूंगा, बताओ मारोगी या नहीं? अरे नहीं नहीं, हम नहीं मारेंगे तुम्हें, हमारी व्हाइट ग्रैनी को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो व्हाइट ग्रैनी को। देख छोड़ तो मैं देता, मगर तुमने मेरी शिनचैन वाली गाड़ी को बहुत ही खतरनाक तरीके से जला दिया, साथ में इतने सारे पैसे को भी जला दिया। तुमने ये बहुत गलत किया है मेरे साथ में। अब तो मैं ग्रैनी को लेके जा रहा हूँ और मुझे तुम 1,00,000 रुपए ला के दो। काश मेरी गाड़ी ठीक हो यार। आप जानती हो गाइस, अभी शिनचैन के यहाँ पे बाल जल गए थे और बहुत खतरनाक काम हो गया था। ग्रैनी मेरे साथ चल अब तू। अरे यार गाइस गाड़ी खराब हो चुकी है और ये ग्रैनी भी मर चुकी है भाई। अरे मेरी गाड़ी खराब हो गई, लगता है किसी ट्रॉली को मंगवाना पड़ेगा। जल्दी से मैं शिनचैन को फोन करता हूँ। हेलो
हेलो हाँ कीको, अरे शिनचैन तुम दोनों साथ में आओ जल्दी से, मैं ग्रैनी के घर पे हूँ। अरे अरे तुम्हें हुआ क्या है जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, मुझे लग रहा है कुछ बड़ी सा कांड कर दिया दिखता है। और यहाँ पे शिनचैन की गाड़ी भी नहीं है, लगता है चोरी हो गई दिखती है। अरे नहीं नहीं कीको, चोरी नहीं हुई है गाड़ी, चिंता मत करो, वो गाड़ी तो मेरे पास में है। मैं शिनचैन के घर पे आया था पैसे लेने के लिए, और भाई बहुत बुरा कांड हो गया यहाँ पे, सभी की सभी ग्रैनी ने मेरे पे हमला कर दिया। कैसे भी करके मैंने अपनी जान तो बचा ली, मगर मैंने व्हाइट ग्रैनी को किडनैप कर लिया और बोला सभी ग्रैनी को। अरे अरे क्या बोला आपने ऐसा कि सारे के सारे लोग आप पे हमला करना बंद कर दिए? यार वो ग्रैनी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वही तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने उन्हें बोला कि देखो अगर तुम्हें चाहते हो कि ग्रैनी जिंदा रहे तो मेरे को मारना बंद करो। अच्छा चलो ठीक है, आप जल्दी आओ घर पे गाड़ी लेकर के। नहीं रुको, हम आते हैं गाड़ी लेकर के, आप वहीं पे रहना ठीक है। चलो तो शिवा शिनचैन तुम लोग अंदर रहना ठीक है, मैं आता हूँ अभी जल्दी से लिटिल सिंघम भैया के पास में जा करके। तो गाइस मुझे जल्दी से लिटिल सिंघम भैया को बचाना पड़ेगा। एंड यार आप लोग सोच रहे होंगे कि कब से हमने रेसिंग वाली भी नहीं कराई। गाइस चिंता मत करो, अब तो एक बार शिनचैन और लिटिल सिंघम भैया की भी गाड़ी आ जान दो और फिर उसके बाद में हम एक साथ रेसिंग कराएंगे। तो जिस जिसको भी रेसिंग दिखनी है जल्दी से कमेंट कर दो रेसिंग नीचे, ठीक है, मेरी, शिवा की, कीको भैया की और तो और शिनचैन की। सो गाइस अभी तो मुझे जल्दी से जाके ग्रैनी के घर पे जाना होगा एंड जल्दी से लिटिल सिंघम भैया को बचाना पड़ेगा, और वहाँ पे उनकी गाड़ी भी खराब हो चुकी है तो उसको भी रिपेयर कराना पड़ेगा। गाइस काफी सारे काम हो चुके हैं यार यहाँ पे, ये ग्रैनी यार सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम ग्रैनी को उसकी कार गिफ्ट करके उसको दोस्त बना ले। अरे हाँ ये आइडिया अच्छा है यार, ये आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अरे लिटिल सिंघम भैया ये लो मैं आ गया। चलो गाइस मैं ऐसा करता हूँ यहीं पे उतरता हूँ और उसके बाद शिनचैन की गाड़ी को ठीक करता हूँ और फिर उसके बाद में लिटिल सिंघम भैया को लेके चलते हैं घर पे। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कीको बहुत बढ़िया। अरे सुन तू सुन, जल्दी से ग्रैनी को भी मार देना ठीक है, पीछे से ग्रैनी को हमला कर देना, ये वाली गन ले ले। अरे कीको कहाँ गया? हे भगवान कीको को पहले अंदर घुसने की जल्दी होती है। ओए कीको, ओए कीको के बच्चे बाहर आ जल्दी से, ग्रैनी को मारना है तेरे को। और गाइस मुझे ग्रैनी के सामने रहना पड़ेगा क्योंकि उसको शक ना हो, कहीं वो मेरे को हमला कर देगी तो भाई बहुत बुरा फंसेंगे। अरे हाँ हाँ चिंता मत करो लिटिल सिंघम भैया, मैं इसको मार दूंगा। तो गाइस अब मुझे धीरे धीरे सबको एक एक करके अटैक करना है ताकि इनको पता ना पड़े। ओ भाई कितनी सारी ग्रैनी है यहाँ पे, ये देखो पीछे थी रेड। अरे भाई ये री, ओके हमला आटा खत्म, खेल खत्म। ये री ब्लू ग्रैनी, इस ब्लू कहाँ पे है, ये री ये ब्लू ग्रैनी को भी खत्म। ये इधर एक और है, इसको भी मार दो खत्म, इसको भी मार दो, गिरा दो नीचे, चलो गिर गई। और ये नीचे गिर गई थी ना, ये लो भाई तू भी जा हमारे लिटिल सिंघम भैया पे हमला करेगी। हैं हमारे लिटिल सिंघम भैया पे हमला करेगी। ये खत्म, अब बस आखिरी बची है और उसके बाद में बचेगी सारे के सारे ग्रैनी। अरे मेरे पे गोली कौन चला रहा है, ये पक्का किसी ग्रैनी का काम होगा, ग्रैनी मेरे पे गोलियां चला रही है। हे भगवान इनको पता पड़ गया दिखता है मैं आने वाला हूँ। बहुत बढ़िया कीको बहुत बढ़िया, अब आखिरी एक बची है और फिर उसके बाद में इसका भी दी एंड हो गया। अरे उसको कैसे भूल सकता हूँ, ये भी तो मारा था, ये लो। और राइट गाइस तो हमने सभी की सभी ग्रैनी को मार दिया, अब जल्दी से ये सारे के सारे पैसे भी लूटते हैं और फिर उसके बाद में मजे ही मजे, व्हाइट ग्रैनी को भी तो हमने किडनैप कर लिया। और गाइस व्हाइट ग्रैनी ने अब जो भी पैसे दिए हैं वो सारे के सारे पैसे मुझे इस गाड़ी के अंदर लगाने पड़ेंगे। इसकी गाड़ी गाइस शिनचैन की गाड़ी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और यार अभी तो समस्या की बात खत्म नहीं हुई, अरे अभी तो घर जाके शिनचैन डांटेगा मुझे, बोलेगा नहीं मुझे नई गाड़ी लाके दो, मुझे नई गाड़ी लाके दो। समस्या तो समस्या है भाई, अब क्या करें यार। अरे कीको, अरे सुन कीको तू जल्दी से ट्रक के अंदर गाड़ी ले आना ठीक है। चलो तो गाइस मैं कीको की गाड़ी लेके आ चुका हूँ क्योंकि गाइस मुझे ज्यादा अर्जेंट थी, शिनचैन को स्कूल से लेके आना है और फिर उसको कोई झूठ का बहाना भी तो देना है, वरना वो शिनचैन मुझे डांटने लग जाएगा, बोलेगा मेरी गाड़ी क्यों चलाए वगैरह वगैरह वो सब बोलेगा। तो भाई उसको भी तो कुछ ना कुछ झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना मुझे, तो चलो चलते हैं शिनचैन को। और हाँ एक बात सुन लो, तुम लोग बोलना मत कि मैंने लिटिल सिंघम ने शिनचैन की गाड़ी उड़ा दी, ठीक है ना यार, ऐसे मत बोलना। आजकल आप जानते ही हो शिनचैन डेली स्कूल जा रहा है और डेली पढ़ाई कर रहा है। गाइस मैं बताऊं क्यों कर रहा है, अरे क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है
की है ना शिनचैन ग्रैनी से आगे बढ़े। ग्रैनी के बच्चे बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं और शिनचैन सोच रहा है कि वो भी ज्यादा इंटेलिजेंट बने इसी वजह से। तो चलो भाई जल्दी से शिनचैन को लेते हैं और फिर उसके बाद में उसे बताते हैं। अरे नहीं, उसको अपनी गाड़ी के बारे में नहीं बताना। चलो जल्दी से लेते हैं शिनचैन को। तो हम आ चुके हैं शिनचैन की स्कूल और यहाँ पे उसकी छुट्टी हो गई है और यहाँ पे देखते हैं वो आगे का। वो देखो वो वहीं पे ही खड़ा है, मुझे लगा ही था कि मैं लेट आया हूँ। अले अले कीको भैया। अरे ये क्या लिटिल सिंघम भैया, आप इतना लेट क्यों आए? अरे यार ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, आप जल्दी से मेरे को मेरी गाड़ी दो, मुझे आपकी गाड़ी के अंदर नहीं घूमना। अरे गाइस मुझे पता ही था कि भाई ये अपनी गाड़ी के बारे में बोलेगा, अब मैं क्या बोलूं? अरे अरे लिटिल सिंघम भैया मुझे गाड़ी दो, मुझे कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी गाड़ी चाहिए वापस। अरे शिनचैन, हाँ ठीक है, तू घर पे तो चल, घर पे मिलती है ना तेरे को गाड़ी। एंड गाइस मुझे लगता है कि वहाँ पे काल वगैरह की टीम बैठी होगी मेरे को शिनचैन पे हमला करने के लिए, तो यार अब मैं कुछ भी करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने शिनचैन को कैसे भला पुसला करके गाड़ी के अंदर बैठा लिया है एंड भाई अब उसे घर जाके उसको गाड़ी देनी पड़ेगी, तो सोच रहा हूँ मैं क्यों ना उसको पहले बर्गर खिलाया हूँ। अरे ये आइडिया मेरे पहले दिमाग में क्यों नहीं आया। कैसे भी करके कीको मेरे को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ कीको, अरे शिनचैन की गाड़ी ठीक हुई क्या? अरे नहीं लिटिल सिंघम भैया, गाड़ी ठीक नहीं हुई है अभी, अरे अभी टाइम लगेगा, आप शिनचैन को कैसे भी घुमाओ अभी कैसे भी करके। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तो गाइस मैं देखो यार, एक तो बर्गर पास वाला है, सोच रहा हूँ ज्यादा दूर वाला बर्गर लेके आता हूँ ताकि इसको लगे कि भाई हाँ कुछ अच्छा। शिनचैन देख, अपन थोड़े अच्छे वाले बर्गर वाले रेस्टोरेंट पे जाए क्या? वहाँ पे बड़ा शानदार सा बर्गर मिलेगा, बहुत टेस्टी बर्गर मिलता है वहाँ पे। नहीं लिटिल सिंघम भैया नहीं, मुझे तो आप घर लेके चलो, मुझे तो रेसिंग का रैम चैलेंज करना है। अब तो शिवा भैया के पास भी गाड़ी आ गई है ना, अब तो बड़ा ही मजा आएगा रैम चैलेंज रेसिंग वगैरह करने में। अरे नहीं, रुको तो सरी, अरे पहले कुछ पेट पूजा तो हो जाए, खाना पीना तो हो जाए। चल चल चिंता मत कर, मैं तेरे को काफी दूर एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे लेके चलता हूँ। ऑलराइट गाइस, और यार मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, सोच रहा हूँ कि है ना अपनी गाड़ी का टायर पंचर कर देता हूँ, फिर शिनचैन पैदल पैदल तो जा ही नहीं पाएगा, मगर टायर पंचर कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे हाँ आइडिया, अरे शिनचैन गाड़ी खराब हो गई यार, पता नहीं कैसे गाड़ी खराब हो गई। शिनचैन तू गाड़ी के अंदर बैठा रहा है ठीक है ना? अरे लिटिल सिंघम भैया, यार आपकी तो गाड़ी एकदम कचरा घटिया सी है यार, आप मेरे को जल्दी से मेरी वाली गाड़ी लेके आओ जल्दी से। अरे शिनचैन यार गाड़ी के अंदर बैठा रहे, बोल रहा हूँ ना मैं तेरे को। तो गाइस बहुत अच्छी बात हो गई, अब मैं गाड़ी का इसका टायर येलो पंचर कर देता हूँ। येलो इसका भी पंचर कर दिया। शिनचैन थोड़ा टाइम लग जाएगा यार, ठीक है ना, तू यहीं पे ही रहना, मैं आता हूँ। अरे नहीं यार, ये तो बहुत गलत बात है यार, आप मेरे को पहले इतनी दूर लेके आए और टायर भी पंचर हो गया। नहीं मुझे तो मेरी गाड़ी चाहिए, मुझे मेरी गाड़ी चाहिए अभी। अच्छा चल ठीक है, मैं अपनी गाड़ी ठीक करवाता हूँ। अरे ये क्या, यहाँ पे तो मैकेनिक की शॉप है। चल आता हूँ शिनचैन। तो गाइस जल्दी से इसके मैकेनिक को बात करते हैं और उससे पता लगाते हैं। हेलो, ये रही मैकेनिक की शॉप, लगता है मुझे पीछे से लेके आनी पड़ेगी यहाँ पे गाड़ी, यहाँ पे कोई है नहीं क्या? हेलो, अरे यहाँ पे तो टायर है ना, ये रे। चल भाई शिनचैन, मिल गया तेरे को टायर का जुगाड़। तो गाइस अब मैं शिनचैन को थोड़ा और बेवकूफ बनाता हूँ। अरे पहले कीको से फोन करके पूछो तो सरी। हेलो, हाँ कीको, अरे गाड़ी ठीक हुई कि नहीं हुई शिनचैन की? क्या नहीं हुई? हे भगवान, ये तो आज मुझे मरवाएगा ये शिनचैन कहीं। यार गाइस आप जानते हो शिनचैन का गुस्सा कितना खतरनाक है। अरे लिटिल सिंघम भैया, आप यार गाड़ी ठीक कराओ जल्दी से, मुझे मेरी गाड़ी पे जाना है यार, ऐसे मत करो प्लीज, जल्दी लेके चलो। अब क्या करूँ गाइस, क्या करूँ शिनचैन, यार गाड़ी को तो ठीक मैं करा ही रहा हूँ ना। अब देख मैं गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया हूँ, यहाँ पे टायर चेंज होगा, 10-15 मिनट का काम है, ठीक है तू यहीं पे रहियो। तो गाइस अब मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से भाग जाता हूँ भाई, खेल ही खत्म, और क्या वो वहीं पे रह जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम रेसिंग करें, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस शिनचैन का भी तो दिमाग खराब करना है।